Hello students, today we are going to discuss about exercise 6.5, question 10, class 10. A by wire attached to a vertical pole height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should be stake be driven so that the wire will be taut? ठीक है, क्या निकालना है हमने? बेस AC. ठीक है, AC निकालना है तो आप क्या लाएंगे? बाय पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि नाइन्थ में किया है, सेम सम है ये. ए बी का स्क्वेयर इज ए सी का स्क्वेयर प्लस बी सी का स्क्वेयर. ए बी इज 24, ए सी इज हमने निकालना है, नहीं है हमारे पास. बी सी 18 का स्क्वेयर, 24 का स्क्वेयर इज 576, 18 का स्क्वेयर इज 324. ठीक है, 18 का स्क्वेयर इज 324 इज ए सी का स्क्वेयर. माइनस कर दीजिए, 7 से 2 गया 5, 3 से 5 से 3 गया 2 इज ए सी स्क्वेयर. ये इधर लाएंगे तो स्क्वेयर रूट बन जाएगा. ठीक है, तो ए सी इज 6√7. ये हमने कैसे लिखा? जो हम रूट के बाहर लिखते हैं वो ही रूट की वैल्यू हो जाती है. 6 × 6 × 7 इज 252. ठीक है, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 252 के हम फैक्टर बना लेंगे, वो बनेंगे 6 × 6 × 7. तो हम पेयर वाले नंबर को बाहर लेंगे, 6 का पेयर बना तो हमने 6√7 लिखा. ये था हमारा क्या? डिस्टेंस ए सी. अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 11 एंड एक्सरसाइज 6.5. एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज टू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 km/h एट द सेम टाइम एंड अदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज टू वेस्ट ऑफ ए स्पीड ऑफ 1200 km/h. हाउ फार एयरपोर्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 hours? ठीक है, 1.5 hour को हम किलोमीटर के हिसाब से चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? वो ए क्या आ गया हमारा? 1500 km. कैसे आया वो देखिए. 1000 × 3/2, 2 × 1 = 2 + 1 = 3/2. इसको हम क्या लिखेंगे? 2 से 1000 को कैंसिल कर लेंगे, 500, 5 × 3 = 1500 km. ठीक है, ऐसे ही आप ओ भी निकालेंगे, क्या है? 1200 × 3/2, 2 से कितना आ गया? 600, तो कितना आ गया? 1800 km. आपका आ गया ए ए ओ ए और ओ बी. ठीक है, स्पीड आ गई, डिस्टेंस आ गया ओ ए और ओ बी का. ठीक है, अब हमने निकालना ए बी. ए बी कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस प्रमेय, ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर. ए बी हमारे पास नहीं है, ए बी के नाम का उधर क्या लग जाएगा? स्क्वेयर रूट. ओ ए कितना हमारा? 1500 का स्क्वेयर. ओ बी कितना हो जाएगा हमारा? 1800 का स्क्वेयर. 15 का स्क्वेयर क्या होता है? 225, और 00 का 40. 18 का स्क्वेयर क्या होता है? 3024 और 40. प्लस कर लीजिए इनको आप, 5 और 4 9, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 40. ठीक है, इसके आप फैक्टर बना लीजिए. ठीक है, फैक्टर बना के आप देखिए ये किसका स्क्वेयर रूट बनता है. इसके हम फैक्टर बनाएंगे 9 × 61 × बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसको आप लिखोगे 100 × 100. अब बाहर किसको लेते हैं हम? जो पेयर बनते हैं, 100 का पेयर बन गया और ये 3 का पेयर बनता है, तो 300√61 km. क्या गया हमारा? ए बी. क्या किया हमने? ओ ए निकाला, ओ बी निकाला. कैसे? 3/2 टाइम के हिसाब से. फिर हमने बाय पाइथागोरस प्रमेय ए बी का डिस्टेंस निकाल दिया है. ठीक है, अभी ये इतनी बड़ी डिजिट आई है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर बनाए, फैक्टर से हमने जो पेयर बनता है उसको बाहर लिया, आंसर हो जाएगा ए बी. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 12. टू पोल्स ऑफ ए हाइट ऑफ 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फिट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स. किसका निकालना हमने डिस्टेंस? उसके टॉप्स का. ठीक है, आप यहाँ देखिए, सी ई और डी बी इक्वल है. सी ई इक्वल डी बी इज इक्वल टू 12 मीटर, सी डी इज इक्वल टू 6 मीटर, तो ए बी इज 11 मीटर. ए ई कितना आ जाएगा? ए ई आ जाएगा ए बी माइनस ई बी, और यहां से आप लिखेंगे सी डी इक्वल ई बी. ठीक है, तो कितना गया? 11 - 6 = 5 मीटर ए.
ओके अब हमारे पास ए भी है सी ई भी है, ए सी निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस प्रमेय, ए सी का स्क्वेयर इज ट्रायंगल ए सी ई, ए सी का स्क्वेयर इज ए ई का स्क्वेयर प्लस सी ई का स्क्वेयर। ए ई कितना है हमारा, अभी हमने निकाला 5, सी ई कितना है, सी ई 12, और इधर का स्क्वेयर रूट ए सी, 12 का स्क्वेयर 25, इसका 144, कितना आ गया 13, 169 आएगा ना, 169 स्क्वेयर रूट होता है 13 का, तो ये हमारा कितना डिस्टेंस आएगा 13 मीटर हो जाएगा। ये इसके इक्वल है तो कितना आ गया 12 मीटर, ये इसके इक्वल है तो ये 6 मीटर, पूरी लेंथ 11 मीटर है तो 11 में से 6 घटा देंगे आ जाएगा ए, ठीक है। फिर बाय पाइथागोरस प्रमेय ट्रायंगल ए ई सी, ए सी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, हमने वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। ये था हमारा क्वेश्चन 12 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 13। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली, ओके ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल एट सी, प्रूव दैट ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं हम ये क्वेश्चन 13। इन राइट ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स ए सी ई एंड डी सी बी, ए सी ई एंड डी सी बी में, ए सी ई में, ए सी ई में और डी सी बी में, पूरी में और इसमें, ठीक है। क्या है, पहले आप देखिए ए सी ई में, ए सी ई में और उसमें देखो, ए सी ई में हम लिखेंगे ए ई का स्क्वेयर ईच, किसका हो जाएगा ए सी का स्क्वेयर प्लस ई सी का स्क्वेयर, ए सी का स्क्वेयर प्लस ई सी का स्क्वेयर, ऐसे उसमें बी डी का स्क्वेयर ईच, बी सी का स्क्वेयर प्लस सी डी का स्क्वेयर, प्लस कर दीजिए दोनों इक्वेशनों को ऑन एडिंग, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, क्या जाएगा ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर ईच ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम क्या लिखेंगे, ए सी और बी सी, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर ईच ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, देखिए ए ई प्लस ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर ईच, ए सी प्लस बी सी क्या बन गया, यहाँ देखिए आप ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज ए बी का स्क्वायर, ऐसे ही सी ई का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर किसका हो जाएगा डी ई का स्क्वायर, क्या बाय पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। यहां से आप क्या लिखेंगे, डी ई ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज ए बी का स्क्वायर, बस यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। आप यहां लिखना चाहें लिख दें ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर इन ट्रायंगल, किसमें है ये ए सी बी सी, ए बी सी में, आप ये भी लिखना चाहें लिख दें सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इज डी ई का स्क्वायर, कौन सी ट्रायंगल में है, ट्रायंगल डी सी ई में, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, क्या है, हमने कुछ नहीं किया, हमने दो ट्रायंगल ली बाय पाइथागोरस प्रमेय निकाला, उन दोनों को प्लस किया, प्लस करने से फिर दो ट्रायंगल्स का राइट हैंड साइड में बाय पाइथागोरस प्रमेय हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आ जाता है वो लिख दिया, तो हमने जो प्रूव करना था वो आ गया। ये था आपका क्वेश्चन 13 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।